व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। महाराष्ट्र ने हरियाणा को और हरियाणा ने दिल्ली को बोल दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, यानी कि सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर है दिल्ली। कहीं ना कहीं ये आप लोगों की एक तरीके से मेडल टैली यहां पर रहने वाली है, क्योंकि ये जो गेम है ये एंड टाइम पर अपने पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र यहां पर फिर से टॉप करने जा रहा है सेकेंड टाइम। थर्ड गेम है यहां पर, यानी कि थर्ड एडिशन है यहां पर। पहला एडिशन 2018 में हुआ था, दूसरा एडिशन 2019 में, और ये तीसरा संस्करण इसका चल रहा है, जिसमें यहां पर सेकेंड टाइम हरियाणा अब टॉप पर आप लोगों को, सॉरी महाराष्ट्र टॉप पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और बाकी हरियाणा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दिल्ली, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो ये बाकी कर्नाटक पांचवें पर, छठे पर तमिलनाडु, और सातवें पर है यहां पर आसाम। तो कुछ ऐसी आप लोगों की अभी मेडल टैली है। टॉप थ्री जो है वो तो अभी सिक्योर हो चुके हैं, बाकी देखते हैं। अभी जो गेम है वो बिल्कुल अपने एंड मोमेंट पर यहां पर पहुंच चुका है। तो इस तरीके से यहां पर ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रखेगा। ये बात की जा रही है खेलो इंडिया गेम के बारे में, जो कि आसाम गुवाहाटी में रिसेंटली अभी चल रहे हैं, इसका तीसरा संस्करण। एक जो काफी बड़ा कंफ्यूजन था, कई सारे कमेंट कल आए हैं यहाँ पर, ये है सहारनपुर को लेकर। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग बैक जाएंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी कि सहारनपुर जो है वो पहले उत्तर, जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में ही था पहले भी, आज भी उत्तर प्रदेश में ही है, पर लेकिन कुछ एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड जो है, जो कि आज के डेट में आप लोगों को नया राज्य देखने को मिलता है, वो उत्तर प्रदेश से निकाला गया है, ठीक है। तो उस टाइम की यहाँ पर ये बात की जा रही है, जब दोनों यहाँ पर एक ही जगह हुआ करते थे, 2000 में इसको अलग बना दिया गया है। तो मैंने राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बात की थी कि राजाजी नेशनल पार्क जो है वो तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, जो कि उत्तराखंड के अंदर सहारनपुर, देहरादून और ये यहाँ पर पौरी गढ़वाल। तो ये सहारनपुर वाला जो पोर्शन यहाँ पर बोला गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उस टाइम पर, यहाँ पर जब ये इसका पार्ट था उत्तर प्रदेश का, तो उस टाइम पर जो सहारनपुर यहाँ पर इसका पार्ट हुआ करता था, जिसमें नेशनल पार्क फैला हुआ था, उसको निकालकर यहाँ पर अलग से ये एक तरीके से इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। और वैसे मैं काफी पुरानी बातें यहां पर कर रहा हूं, नया राज्य 2000 में यहां पर अलग किया गया है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से निकालकर एक नया राज्य बनाया गया है। और ये नेशनल पार्क किसके नाम पर था, सी राज गोपालचारी, जो कि एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, फ्रीडम फाइटर थे, और लास्ट गवर्नर जनरल हमारी कंट्री के, और इसी के साथ में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनको 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो कंफ्यूज मत होना, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर हम यूपी से हैं और यहाँ पर ये सहारनपुर जो है वो यूपी में है। कोई नहीं, मुझे भी पता है कि सहारनपुर यूपी में, ये आप ही का है सहारनपुर, टेंशन मत लीजिए। तो छोटा सा कंफ्यूजन था जो कि आप लोगों का दूर करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर जब बात करें टूरिज्म के बारे में। पहले ये बताइए किस किस को घूमना पसंद है, किस किस को अलग अलग जगह पर जाना पसंद है। अगर वाई तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिखिए। देखिए, जब से मैंने ये स्टार्ट किया गया, वाई तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, सर इसकी वजह से आप पार्टिसिपेट करते हैं, वरना हम लोगों ने कभी भी कोई कमेंट नहीं किया था। तो आपकी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और हम लोग अब और भी कमेंट करते हैं, मतलब और भी आंसर देते हैं, तो सर इससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसी से सही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। तो आप लोगों को ये बताना है कि घूमना किसको पसंद है, अगर हां तो यस और नहीं तो बस फिर तो नो है, ये कोई बात ही नहीं है। वैसे अगर बात की जाए यहां पर, तो आज 25 जनवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जबकि अभी ये डे है भी नहीं है। रीजन क्या है, आगे कई सारे डे आने वाले हैं, तो पहले से ही आप लोग ये डे कवर करके चल रहा हूं, क्योंकि आगे कई सारे डे आप लोगों को इस दिन देखने को मिलेंगे। तो बात की जा रही है यहां पर नेशनल टूरिज्म डे के बारे में। टूरिज्म एक तरीके से, आप लोगों को पता है कि टूरिज्म भी एक तरीके की पूरी इंडस्ट्री है, बहुत सारा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो टूरिस्ट के बेस पर ही चलती हैं। जैसे कि अगर बात करें बहुत सारी कंट्री की, जो जीडीपी में टूरिस्ट जो है, टूरिज्म जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड आप लोगों ने सुना होगा, अगर बात कर लीजिए सिंगापुर की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री, कल्चर और जो ज्योग्राफिकल डायवर्सिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और काफी लार्ज स्केल पर जो टूरिस्ट हैं वो घूमने भी आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन के बारे में, एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, कि एक स्वीडिश महिला थी, वो बेचारी घूमने आई, तो पहले 2014 में वो बेचारी घूमने आई थी, अब फिर घूमने आई वो, तो जैसे ही वो घूमने आई उसको पकड़ लिया गया कोचीन एयरपोर्ट पे। रीजन ये था, उसके पास में पुराने नोट थे जो कि हमारी कंट्री में बंद हो चुके हैं, 50,000 के पुराने नोट थे, तो उस पर उसका 5 गुना यानी कि 2.5 लाख का बेचारी के ऊपर फाइन लग गया, जिसके चलते उसको प्रॉब्लम देखने को मिल गई। हंसी आ रही है सुनकर, पर लेकिन देखिए उसके लिए काफी बुरी बात हो गई, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कितना अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने, तो अब बाहर वाले भी उसको
मिल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो टूरिज्म के लिए कितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं वो सोचने वाली यहां पर बात होती है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है नोडल एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट करती है और कोऑर्डिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एजेंसीज है, प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो टूरिज्म को प्रमोशन किया जा सके। आज की डेट में सबसे बड़े जो स्टार हैं टूरिज्म के हमारी कंट्री में, अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हो। कई बार उनकी स्पीच मैंने सुनी है, वो हर बार बोलते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाओ, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से देखिए, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से एज ए टूरिज्म के एम्बेसडर बने हुए हैं, तो इससे उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग घूमने जाएंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर हेड की जाती है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास में टूरिज्म का, इनके द्वारा यहाँ पर हेड की जाती है। कौन है ये, इनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर जो सहमत उठा लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं, आइए बढ़ता हूं नैनो न्यूज की ओर। क्विज यहां पर जो नैनो न्यूज खत्म करने के बाद में क्विज आज का जो आज का नहीं है, जो कल का डिस्कस करूंगा। रीजन ये है, कल एक न्यूज आप लोगों की बच गई थी तो उसके चलते उसको थोड़ा बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर नैनो न्यूज की, तो नैनो न्यूज खत्म करते ही आप लोगों का क्विज डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहां पर आज का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो स्कीम चल रही है, जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जाती है, उस पर स्टे लगाने से। और ये जो जो यहां पर ये जो बेंच है की जा रही थी, जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एस ए बोबडे, तो इनके द्वारा यहां पर इसको हेड किया जा रहा था। तो इनके द्वारा यहां पर जो ये बात सुनवाई की जा रही थी, तो किसके द्वारा ये मैटर यहां पर पहुंचाया गया, तो ये पहुंचाया गया एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग एडीआर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने एडीआर के बारे में सुना होगा। हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरीके से उसको और अच्छा बनाया जा सकता है ताकि वो गलत डायरेक्शन में न बढ़े, उसके चलते ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करती है लोगों को अवेयर करने के लिए। खासकर जब इलेक्शन आते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जिनको आप लोग वोट देने जा रहे हैं, जिनके ऊपर करप्शन के, रेप के, मर्डर के चार्ज चल रहे हैं आज के डेट में, ताकि आप लोग समझ सके कि आप लोग की जो कीमती वोट है वो किस तरीके के इंसान को यहां पर जा रही है। और हमारी कंट्री की एक बुरी बात आप लोग ये बोल सकते हैं, अब की बार के 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं, पहले के कंपेयर में और ज्यादा क्रिमिनल जो रिकॉर्ड वाले लोग पार्लियामेंट में पहुंचा दिए गए हैं आप लोगों की रहमोक्रम से। तो ये कंडीशन काफी खराब है, हम लोग समझते नहीं है कि कौन लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये इस तरीके चार्ज चल रहे हैं, उल्टे सीधे बाहुबली टाइप के लोगों को हम लोग वहां पर पहुंचा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, यहां पर अभी जो बात की जा रही है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो रूलिंग पार्टी है वो ब्लैक मनी को चैनलाइज कर रही है, क्योंकि जो ये बॉन्ड की बात की जा रही है जिसको आप लोग यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी बात करूंगा। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू यहां पर किसी को पता भी नहीं चलेगा और पॉलिटिकल पार्टी तक चंदा पहुंच जाएगा, तो उसके चलते आरबीआई के द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बोला था कि इसके ऊपर स्टे लगा देना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से इसका मिसयूज यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर देखी जाए बातें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है सबसे पहले तो कौन इसको खरीद सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई कंपनी जो कि इंडियन है वो इसको खरीद सकते हैं। कहां से खरीद सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौती एक ऐसी बैंक है जिसको यहां पर यह पावर प्रोवाइड कराई गई है। अगर बात करें बॉन्ड के बारे में, तो ये एक तरीके से पेएबल है टू द बियरर ऑन डिमांड, फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास में आ जाएगा तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी हो जाएगा, दूसरे के पास में जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा जिसका पास से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, किसको पता नहीं चलेगा, तो इस तरीके से यहां पर मिसयूज इसका किया जा रहा है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 29 जनवरी 2018 में, जब यहां पर बजट प्रस्तुत किया गया जेटली साहब के द्वारा, मुझे अभी स्पीच याद है, मैंने वो स्पीच सुनी थी, उस टाइम पर इसको प्रस्तुत किया गया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम 2018 का नाम लेकर यहां पर, कि अब हम लोग यहां पर करप्शन को मिटाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ यहां से नजर नहीं आया। ये कितने डिनोमिनेशन में है, तो आप लोग 1000 रुपए खरीद सकते हैं, 10,000 के, 1,00,000 के और 1,00,00,000 तक के खरीद सकते हैं। तो 1,000 से के 1,00,00,000 तक की जो रेंज है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है इन पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर में। डोनर को जो यहां पर केवाईसी, जो एक तरीके से उसका जो अकाउंट है वो केवाईसी वेरीफाइड यहां पर होना चाहिए, और इनकी जो वैलिडिटी है वो यहां पर 15 डेज तक आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें परचेज करने के लिए, 10 दिन का टाइम यहां पर दिया जाता है, फर्स्ट जो है यहां पर 10 डेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से देखिए, जो परचेज करने के लिए 10 दिन का जो टाइम दिया जाता है ना, ये हर क्वार्टर में दिया जाता है, जैसे जनवरी में 10 दिन दिया जाएगा, अप्रैल में 10 दिन, जुलाई में और अक्टूबर में, तो इस तरीके से हर एक क्वार्टर में 10 दिन का टाइम यहां पर दिया जाता है। इसके चलते कई सारे चेंज भी किए गए, जैसे सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को चेंज किया गया। इसी के साथ में जो 1% ज्यादा है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं
उसमें चाहे वो जनरल इलेक्शन की बात करें, चाहे असेंबली यानी कि चाहे तो सेंटर के इलेक्शन की बात करें, चाहे आप लोग स्टेट के इलेक्शन की बात करें, अगर उसको एटलीस्ट यानी कि मिनिमम 1% वोट मिली है तो उसको यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने का हक है। ये यहां पर इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। तो यह है कंप्लीट इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, अगर देखा जाए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा तीसरा एडिशन यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा, ये अभी तालकटोरा स्टेडियम में देखने को मिला न्यू दिल्ली के अंदर में। देखिए ये मैंने पहले बोला था कि सेकंड एडिशन है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि पीआईबी पर भी यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट कर दिया गया, तो वहां से जब इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई तो सेकंड एडिशन वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये थर्ड एडिशन था। ओके, तो ये तीसरा संस्करण है। और यहाँ पर एक जब मैं इसको सुन रहा था तो मोदी जी के द्वारा एक बात बोली गई, ये थी यहाँ पर चंद्रयान 2 के बारे में। ये बोला गया इनके द्वारा कि जब मुझे बोला गया कि वहां पर जाना सही नहीं रहेगा, हो सकता है कि मिशन फेल हो जाए, तो वहां पर अगर ऐसा हुआ तो फिर देखिए एक तरीके से होता है कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं किसी भी कंट्री का और वहां पर मिशन फेल हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब एक तरीके से होता है कि थोड़ा सा डाउन फील हो जाता है। तो इन्होंने बोला मैं इसीलिए वहां पर गया था कि अगर ऐसा कुछ हो ताकि मैं उसको सपोर्ट कर सकूं उस मिशन को। ठीक है, तो यह वहां पर काफी अच्छी बात यहां पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलती है अगर इस तरीके से चीजों को सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक फंडा है यहां पर चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि हमारी कंट्री में से आप लोगों को पता है उसका नाम क्या था, जो यहां पर लैंडर और रोवर का नाम क्या क्या रखा गया था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, काफी ज्यादा न्यूज में था और रिसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं कई बार उसका जिक्र भी किया जा चुका है। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, ये बात की जा रही है बजट के बारे में। 2021 के लिए हमारी कंट्री में बजट अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये जो बजट होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, यानी कि जो बजट अभी प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को, ये जो आगे आने वाला टाइम होगा यानी कि जो नया ईयर अभी यहां पर स्टार्ट होगा जिसको फाइनेंशियल ईयर आप लोग बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो उसके लिए होता है बजट। और इकोनॉमिक सर्वे किसके लिए होता है, वो होता है लास्ट ईयर जो हमारा जा चुका है, यानी कि जो अभी हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो अभी चल रहा है यानी कि लास्ट ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक, इसके लिए ये इकोनॉमिक सर्वे है कि कैसे हमारी कंट्री में उसको यूटिलाइज किया गया है। तो दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पर आप लोगों के सामने होते हैं। तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे तो एक तरीके से आप लोगों को पता ही है क्या हमारी कंट्री में चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो तो आप लोगों के सामने, तो उसमें कोई सीक्रेसी नहीं बरती जाती है। पर लेकिन जो बजट है तो होता है उसमें सीक्रेसी बरती जाती है, तो हलवा सेरेमनी इससे रिलेटेड यहां पर होती है। तो हलवा सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है 20 जनवरी को, और ये जो सेरेमनी है यहां पर किसके द्वारा ये प्रिजाइड की जाती है, तो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा ये सेरेमनी प्रिजाइड की गई। एक तरीके से स्वीट बांटी जाती है मिठाई टाइप में, जिसके चलते यहां पर लोगों का मुंह मीठा किया जाता है, क्योंकि इस सेरेमनी के बाद में नॉर्थ ब्लॉक जो यहां पर पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग अगर इंडिया गेट पार्लियामेंट साइड में घूमने गए तो इसको आप लोगों ने देखा होगा, तो यहां पर जो नॉर्थ ब्लॉक है उसके अंदर यहां पर रहेंगे अब जब तक बजट प्रस्तुत नहीं कर दिया जाएगा 1 फरवरी तक, उसके बाद में यहां से निकल कर आएंगे। खाना पीना नहाना धोना सब कुछ इनका वहीं पर ही चलेगा जब तक कि बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता है। तो इसके चलते यहां पर एक सीक्रेसी बढ़ती जाती है ताकि उससे पहले यहां पर पार्लियामेंट में ही चीजों को प्रस्तुत किया जाए, उससे पहले किसी को पता न चले। तो यह इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं बजट के बारे में। बाकी जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसके बारे में हम लोग चीजें उस टाइम पर डिस्कस ही लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब जो हैं, उनको जगत प्रकाश नड्डा जी को अब यहां पर इनका नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जो कि अभी आप लोगों को यहां पर ये इवेंट देखने को मिला। जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं, इनसे पहले होम मिनिस्टर जो आज के में हमारी कंट्री के अमित शाह जी हैं, वो पहले इस पोस्ट पर हुआ करते थे, अब यहां पर इनके पास में ये पोस्ट आ गई है। ये हिमाचल प्रदेश से यहां पर चुनकर आते हैं हमारी कंट्री में, जो कि अब तक वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे लास्ट जुलाई से अगर आप लोग देखेंगे तो। बीजेपी के बारे में अगर बात करें तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड बोलते हैं, ये उसके भी यहां पर पार्ट थे। ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर ये डिसीजन दिया गया, तो इसके बारे में आइडिया रख सके क्योंकि कंट्री में गवर्नमेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से एसएससी बैंकिंग, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, बाकी यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, यूपीएससी में तो आप लोगों के जो अभी ऊपर जो डिस्कस किया उस तरीके की चीजें पूछती हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड जो चीजें होती हैं, जैसे इस तरीके के यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, थीम वगैरह हो गया। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रविशंकर प्रसाद जी के अंडर में है, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहां पर सेकंड एडिशन, यानी कि दूसरा संस्करण है यहां पर किसका, यह एनआईसी जिसको बोलते हैं यहां पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। तो ये यहां पर 2 दिन तक चलने वाला ये एक प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कब, 21 में, यानी कि ये इनोग्रेट किया जाएगा 21 तारीख में। यहां पर
पर अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए किस तरीके से जो गवर्नेंस है, यानी कि हमारी कंट्री में अगर जो हम लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है जनता तक कैसे डायरेक्टली पहुंचा जाए, तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को कैसे प्रोवाइड कराया जाए और कैसे उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, तो इसके ऊपर यहां पर फोकस रहता है। तो इसकी जो थीम भी रखी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जन गवर्नेंस, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थीम है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों से और यहां पर पूछा जाएगा कि थीम क्या है, या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में एक क्वेश्चन दूसरा होगा, दूसरा बोलेंगे ये थीम है 2020 के लिए। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के माइंड में जरूर क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोगों के सामने है, ये है लीबिया के बारे में। तो लीबिया को एक बार आप लोग मैप में देखिए ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये हो गया लीबिया, टूनिसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, यहां पर इजिप्ट हो गया और ये हो गया लीबिया। ठीक है, यहां पर हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है, लीबिया में काफी लंबे समय से कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो उसके चलते जो बाहर की फॉरेन कंट्री है काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। जैसे सीरिया की बात कर लीजिए, काम कहीं का है, लड़ कहीं रहे हैं, कोई और लड़ रहे हैं। जैसे इराक की बात कर लीजिए, लड़ कौन रहे हैं, ईरान और यूएसए, ग्राउंड किसको बना रखा है, इराक। ऐसे ही कुछ लीबिया की हालत है, खासकर कब से, 2011 से, जब यहां पर गद्दाफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहां पर मुअम्मर जो गद्दाफी है, जो डिक्टेटर हुआ करते थे, उनको जब से मारा गया तब से लेकर यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो किस तरीके से यहां पर शांति लाई जाए उसके बारे में यहां पर फोकस किया जा रहा है, और एक तरीके से वेपन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर रोक के जाने की बात की जा रही है। वर्ल्ड लीडर अभी यहां पर मिले बर्लिन, बर्लिन कहां पर है, जर्मनी के अंदर में। तो जर्मनी में वर्ल्ड लीडर यहां पर मिले, तो आप लोग जर्मनी भी यहां पर देखिए तो अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये हो गया जर्मनी। तो यहां पर मिले लीबिया के लिए बात करने के लिए, तो इनके द्वारा बात यह की गई कि यहां पर किस तरीके से शांति बनाकर रखी जा सकती है। तो वल्दिमीर पुतिन साहब भी यहां पर थे, जो जर्मन की चांसलर है, उनके द्वारा यहां पर इसको हेड किया गया, एंजेला मार्कर। चांसलर बिल्कुल ऐसी ही पोस्ट होती है जर्मनी के अंदर में, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, तो लगभग इतनी ही पावर आप लोगों वहां पर इनकी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते बोला गया कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो सीज फायर, यानी कि जो भी यहां पर कंडीशन चल रही है उसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसको रोककर यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो इसके चलते यहां पर ये सबमिट देखने को मिले। तो अगर पूछेगी आप लोगों से कोई कि बहुत सारी कंट्री अभी यहां पर किस कंट्री में मिली जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो लीबिया में मिली यहां पर अभी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले आप लोग बांग्लादेश समझ लीजिए, ये है बांग्लादेश यहां पर। ठीक है, जो हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और इसी के साथ में मिजोरम राज्य को टच करता है। तो यहां पर अभी एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था जिसका ये 18वां एडिशन था, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसके अंदर यहां पर कुछ मूवीज हैं जो कि यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आई, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ईरान की एक मूवी है जिसका नाम है कैसल ऑफ ड्रीम्स, यानी कि सपनों का महल। तो सपनों का जो महल है यहां पर, यह है रेजा मीरा कारमी, इनको यहां पर यह बेस्ट मूवी का अवार्ड इस मूवी को यहां पर दिया गया है। तो देखिए ईरान काफी ज्यादा न्यूज में है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। तो कैसल ऑफ ड्रीम्स यहां पर याद रखिएगा, ईरानियन मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एशियन कंपटीशन सेक्शन के अंदर में। ठीक है, कहां पर, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 18वां संस्करण था इसका। नेक्स्ट यहां पर अगर बात की जाए तो फिल्म जो है उसके साथ में बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीती, यानी कि इसको दो अवार्ड यहां पर मिले। आगे बात करते हैं, हमारी कंट्री की भी एक मूवी है जो कि यहां पर अवार्ड जीती, ये फाइनली लव। ठीक है, तो ये जो है फाइनली लव यहां पर डायरेक्ट की गई है अर्जुन दत्त के द्वारा, इसको बेस्ट ऑडियंस अवार्ड दिया गया इन सिनेमा ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी। तो ये एक हमारी मूवी भी है जो कि यहां पर न्यूज में थी। तो हमारी मूवी और जो सबसे ज्यादा न्यूज में थी उसका नाम कम से कम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया अपना यूरिया सोना उगले। तो अपना यूरिया सोना उगले यहां पर ये जो एक तरीके से ब्रांड है यहां पर, ये हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, जिसको आप लोग HURL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासकर एग्रीकल्चर के बारे में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन जो लिमिटेड है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि एक तरीके से प्रमोट की गई है तीन कंपनीज के द्वारा जो कि महारत्न है हमारी कंट्री में। कौन कौन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC है जिसको आप लोग NTPC बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको IOCL आप लोग बोलते हैं। तो इनके द्वारा प्रमोटेड किया गया यहां पर ये एक PSU है हमारी कंट्री में, जिसके द्वारा एक ब्रांड लॉन्च किया गया अपना यूरिया सोना उगले। इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसी के साथ में यहां पर इसके लिए तीन प्लांट अभी लगाने की बात की जा रही है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सिंदरी यहां पर झारखंड में, और यहां पर बरूनी, ये कहां पर है, ये है बिहार के अंदर में। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, तो कहां कहां पर बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के अंदर तीन प्लांट लगाने की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये अभी न्यूज में था। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों का आइडिया रखना है।
आइए अब यहां पर पहले कल का क्विज देखते हैं, फिर आज का क्विज देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था यहां पर ये आप लोगों का कवर नहीं हुआ था, ये बच गया था, तो पहले वो कवर किया आप लोगों का। तो सबसे पहले बात की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था अभी चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसको किया गया था यहां पर उसका चेयरमैन, जो कि नेशनल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के लिए यहां पर बेसिकली इसको लीड करने वाला एक इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो यहां पर बात की जा रही है उसके बारे में बात करेगा कि उनका म्यूजियम कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये सेटअप किया गया था 1966 यानी कि 1966 में। आप लोगों को ये बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑयल और गैस कंपनी को अगर आप लोग ड्रिलिंग करना चाहते हैं कहीं पर जाकर तो वो कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी यहां पर इसके चलते किसी तरीके का किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो किसके द्वारा ये बोला गया है, यदा यदा जो वायरस है रिसेंटली अभी यहां पर किस कंट्री में इसको यहां पर अभी देखा गया है, यानी कहां पर यह अभी नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट यहां पर राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करने की यहां पर बात की गई थी, तो आप लोगों से पूछा था कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो कई सारे लोगों के द्वारा काफी अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए, तो यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी इसको सजेशन करने के लिए कि कैसा होना चाहिए, तो प्रसाद भारती के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो कौन है वो पर्सनालिटी का नाम आप लोगों को यहां पर ये बताना है। लोकसभा कब लॉन्च किया गया था और राज्यसभा टीवी कब लॉन्च किया गया था ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा अपना यूरिया, तो ये स्लोगन क्या था पूरा वो आप लोगों को करना था, जो कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के द्वारा यहां पर देखने को मिला। तो ये थे क्वेश्चन, अब आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। कई सारे बच्चे अब पार्टिसिपेट करने लगे, काफी अच्छा लगता है, पहले बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, अब बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कम से कम ये तो आप लिख ही सकते हो कि 6 में से 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 में से 3, तो अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे भी, तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर, ये है नरिपेंद्र जो मिश्रा है उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, जिनको यहां पर पर्टिकुलर यहां पर चेयरमैन बनाया गया इसका, ठीक है। इसी के साथ में कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है। नेक्स्ट जो यहां पर स्टेप उठाया गया है वो स्टेप उठाया गया यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, याद रखिएगा इसके बारे में, उसके द्वारा यहां पर बोला कि क्लियरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके चलते यहां पर काफी जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो भी गुस्सा हो गए थे कि अब यहां पर एनवायरमेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। यदा यदा वायरस जो है यहां पर ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर इसको अभी 3 लोकेशन पर डिटेक्ट किया गया है, और इसका नाम जो निकल कर आया ये अमेरिकन का एक टीवी शो था, एपिसोड था, जहां से इसका नाम निकालकर लाया गया है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा को मर्ज करने के लिए सूर्य प्रकाश ये पर्सनैलिटी है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, अब यहां पर इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा और यहां पर राज्यसभा को दी जा रही है। उसके बाद में यहां पर जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लोकसभा टीवी के बारे में, तो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर बात करें यहां पर पार्लियामेंट के बारे में, जो पार्लियामेंट सॉरी राज्यसभा टीवी के बारे में, तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट ये स्लोगन तो आप लोगों से अभी डिस्कस किया है, अपना जो यूरिया सोना उगले, तो इसके बारे में तो आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी बात करते हैं एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट स्कीम है यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। क्यों? अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो लोग हैं उनको सस्ता घर प्रोवाइड कराया जा सके, वो उसको खरीद सके और उनके उनके जो कहते हैं सर पर छत आ सके। इसी के साथ में यहां पर जो टारगेट है वो 20 मिलियन लोगों को यहां पर अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। 1 मिलियन में एक तरीके से आप लोग बोले तो 10 लाख होते हैं, ठीक है। 20 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 लाख आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग उसको काउंट कर लीजिए। तो 31 मार्च 2022 तक का ये टारगेट है, तो देखते हैं किसको किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो यहां पर कर रही है, और हरदीप सिंह पुरी जो है वो आज के डेट में यहां पर इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहां पर वेबसाइट भी इसका नाम दे रखा है, अगर आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन जाकर यहां सर ले सकते हैं। तो ये था इसके बारे में जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बच्चे के द्वारा पूछी गई थी कि सर क्या हम लोगों को जो कंप्लीट ये लेक्चर होता है इसकी हम लोगों को जो पीडीएफ है उसको निकालकर एक तरीके से उसको प्रिंट कराना चाहिए। देखिए जो बहुत सारे आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर आप लोग इतना प्रिंट इनको कराओगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। तो प्रिंट अगर आप लोग इनको डिजिटल फॉर्म में पढ़ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रिंट कराने के बाद में ये काफी ज्यादा आप लोगों के पास में कॉस्ट इसकी पड़ जाती है लेक्चर की। तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा अपना पे करें। अगर आप लोगों
करना ही है, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को लगेगी, लगभग 15-20 या फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट बोल सकते हैं। उसमें क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर से निकालकर A4 साइज की शीट पर आप लोग लिख लो, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार को अपने हाथों से खुद लिख लेंगे कि हाँ ये स्कीम है, कौन यहां पर मिनिस्टर है, कब इस किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, 3 पॉइंट बस आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा, एग्जाम में आप लोग उसको रिविजन भी कर पाएंगे और आप लोगों का खर्चा भी बच जाएगा। बाकी अगर पैसे हैं तो देखिए फिर तो आप लोग कर ही सकते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है फिर तो आप लोग कर लीजिए, पर लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर चीजों को एंजॉय करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये A4 साइज शीट वाला फंडा सबसे अच्छा है अगर उसको इंप्लीमेंट करोगे तो। एक और छोटी सी बात, कल जब अजान हुई थी तो मैंने लेक्चर रोक दिया था, तो कई सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया सर आप मुस्लिम हो क्या, तो देखिए यार मुझे टीचर ही रहने दो, हिंदू मुस्लिम मत बनाओ, एक टीचर ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब रिलीजन कास्ट जो है वो सबकी आप लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, चाहे कोई भी रिलीजन आप लोगों का क्यों ना हो आप लोग उसकी रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए, वो सही है कि कोई भी रिलीजन हो उसकी रेस्पेक्ट आप लोग करिए, और आप लोग जो भी आप लोग रिलीजन फॉलो करते हैं करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी भी रिलीजन को आप लोग डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, ये आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। मैं तो ये भी बोलूंगा जो भी फेस्टिवल आप लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है उसको जरूर सेलिब्रेट करें। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज जो कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बात की जा रही है यूनियन बजट जो प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो हलवा सेरेमनी होती है वो किसके द्वारा प्रिजाइड की जाती है, यानी कि कौन इसको प्रिजाइड करता है, कौन वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं अभी बीजेपी के, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है नेशनल इन्फॉर्मेटिक जो सेंटर है वो किसके द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया है अभी रिसेंटली, उसका सेकंड एडिशन यानी कि किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर थीम आप लोगों को बतानी है इसकी क्या है, टेक्नोलॉजी 4, ये लोग कंप्लीट करनी है। ईरान की कौन सी मूवी है जो कि रिसेंटली अभी यहां पर बेस्ट मूवी का अवार्ड जीती है, इंडियन मूवी कौन सी है जो कि बेस्ट ऑडियंस अवार्ड यहां पर जीता गया है। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि कौन सी कंट्री में यहां पर अभी सबमिट हो देखने को मिली जिसमें लीबिया के सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा टारगेट की जाती है और इसी के द्वारा 200 मिलियन जो अफोर्डेबल हाउस कब तक प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। देखिए अगर लेक्चर पसंद आए तो ही लाइक और शेयर किया कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और शेयर भी नहीं करना है। सारी PDF एक जगह इकट्ठी यहां पर प्रोवाइड करा दी गई, जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक वीडियो के नीचे मिल जाता है। आप लोगों को लिंक पूछते रहते हैं सर टेलीग्राम कहां पर है, तो सारी चीजें वीडियो के नीचे जैसे आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें आप लोगों के लिए मेंशन है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।